स्वयं सहायता समूह की महिला ने स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान खोलकर कार्यपालक पदाधिकारी से प्रेरित होकर रख दिया उनका ही नाम। बक्सर में स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए आजीविका जैसे केंद्र चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक महिला शांति देवी हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रगति की और अब अपना स्वर्ण आभूषण का व्यवसाय शुरू कर रही हैं। शनिवार को इसका शुभारंभ नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने किया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाया जाए, जिससे परिवार की स्थिति मजबूत हो। उद्घाटन के दौरान यह देखने को मिला कि दुकान का नाम स्वरूपम ज्वेलर्स रखा गया है। यह नाम नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है। पूछने पर जीविका दीदी ने बताया कि मैं गणपति आजीविका समूह से जुड़ी हूँ। मेरे समूह से जुड़ी अनेक महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया और रोजगार मुहैया कराया। आज मैं उनकी बदौलत आगे बढ़ी हूँ, इसलिए दुकान का नाम स्वरूपम ज्वेलर्स रखा है। मौके पर मनोज केशरी, नवीन पांडे, वाहिद अंसारी, दिनेश, इमृति देवी, स्वर्ण किरण आदि लोग उपस्थित रहे। पानी कहाँ लग? अत्यंत हर्ष की बात है। ये महिलाएं जैसा आप देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट इन लोगों ने किया है। और जिस तरीके से महिलाएं बढ़ रही हैं, आप लोग भी जानते हैं कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ आर्थिक रूप से भी महिला खुद स्वावलंबी बन रही हैं और अपना योगदान अपने घर परिवार में दे रही हैं, जो कि अत्यंत ही हर्ष की बात है। और मैं पूरे बक्सर नगर परिषद के क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो नहीं जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी बोलूँगी कि आप लोग जुड़े और आप लोग स्वयं भी जिस भी क्षेत्र में आपको अपना एक्सपीरियंस है, काबिलियत है, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और खुद को महिला सशक्तिकरण की मिसाल बने और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना आर्थिक सहयोग भी अपने परिवार को दें, जिससे कि आप एक और भी उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ अपने परिवार को और भी बेहतर जगह पर ले जा सकें। आगे बढ़ रहे हैं नगर परिषद में। मैडम जी हम लोग के पहले मैडम आई हैं और हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, साहस भी मिल रहा है, अंदर से हुलसा भी जग रहा है। बहुत सी महिलाएं लोग को रोज़गार मिला है और आगे भी मैडम बोल रही हैं कि मिलेगा। और मैडम के सहयोग से हम आज दुकान खुले हैं यहाँ ज्वेलर्स का। और सोचे कि मैडम से हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैडम अपने ही नाम से स्वरा सारथी रखी थी, तो हमने सोचा कि चलो हम भी मैडम के नाम से खोलते हैं दुकान। तो स्वरूपम ज्वेलर्स मैडम से पूछे तो मैडम जी बोली कोई बात नहीं, आप लोग खोलिए, हमारे हाथ आप लोग के साथ रहेगा और आप लोग आगे बढ़िए और हम जो भी सहयोग चाहिए हम लोग देंगे। और मैडम हम लोग को कर रही हैं। दुकान का फंडिंग कहाँ से हुआ है आपका? दुकान का फंडिंग हम लोग को मैडम जी, जैसे ये स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से हम लोग को लोन मिलता है, पैसा मिलता है रोजगार करने के लिए, उसी से हम लोग निकाल कर अपना यदि कर रहे हैं, मतलब फंडिंग का। रोजगार के लिए कितना पैसा मिला है? हम लोग को रोजगार के लिए 40,000 से शुरुआत होता है और उसके बाद आगे भी मतलब बढ़ते जाता है, तो हम लोग अपना उसी तरह मतलब 40,000 से शुरुआत होता है और आगे भी बढ़ते जाता है, जितना जिसको मैंने 2 लाख तक हम लोग निकाल सकते हैं। दुकान में तो अभी हमको अभी पूरा अभी सामान दुकान में 50,000 के भरे हैं और बाकी सब लगाने में 1 लाख लग गया। हाँ लग गया। क्या आप अकेले की दुकान की आप साथ होती है? नहीं, हम ऐसे तो गणपति समूह के हम लोग हैं लेकिन मेरा पर्सनल है। हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम शांति देवी। परिसर क्षेत्र में करीब दर्जनों महिलाएं आज अपने पैरों पर स्वावलंबन हो गई हैं। उनको हम लोग समूह से जोड़ते हैं। समूह से जोड़ने के बाद उनको हम लोग वित्तीय लाभ भी बैंकों से 1,50,000 से शुरुआत होती है, 2 लाख तक, 5 लाख तक हम लोग उस समूह को, जो अच्छा समूह होते हैं उनको हम लोग वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। जैसा कि आज देख रहे हैं उसी के क्रम में
आज गणपति समूह की एक महिला शांति देवी ने और अपना स्वरूपम ज्वेलर्स का उद्घाटन अभी तुरंत कार्यपालक पदाधिकारी हमारे प्रेम स्वरूपम मैडम के नाम पर उन्होंने किया है और उन्हें वित्तीय लाभ भी हम लोगों ने करवाया था बैंक से। और ऐसे 35-40 और भी हमारे समूह की महिलाएं हैं जो ई रिक्शा नगर परिषद में जो ई रिक्शा चलता है उसके द्वारा वो चालक के रूप में कचरा प्रबंधन का काम में 2 महीने से लगी हुई हैं। ऐसे लगभग सैकड़ों महिलाएं हैं जो शहरी गरीब महिलाएं समूह की हैं, उनको स्वरोजगार से हम लोग जोड़ रहे हैं। कितने महिलाओं को आप लोग फंडिंग कर चुके हैं? अभी हम लोगों ने लगभग 50 समूह की महिलाओं को हम लोगों ने फंडिंग किया है। 50 समूह का मतलब होता है लगभग 500 महिलाएं। तो 500 महिलाएं आज हमारे नगर परिषद बक्सर में वो स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं और हमारा पूरे डेनुलम टीम को अभी वर्तमान जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदया हैं प्रेम स्वरूपम जी, इनका अच्छा सहयोग मिल रहा है और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम और भी शहरी गरीब महिलाओं को हम रोजगार प्रदान कराएंगे। मनोज कुमार केसरी, नगर मिशन प्रबंधक, नगर परिषद बक्सर।